छावनी के 12 क्रॉस रोड हाथी खाने मंदिर के नजदीक अनाज गोदाम के सामने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अपूर्व चौधरी और अम्बाला DSP राम कुमार जी की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल के साथ अवैध दुकान के निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवारों के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। आज देखने वाली बात यह रही कि अम्बाला नगर परिषद में पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। अम्बाला छावनी से देखते हैं हमारे संवाददाता आंचल गोड व तरुण गोड की एक खास रिपोर्ट। तो मैडम जो ये आपकी जमीन है ये लीज की है तो इसमें आपने क्या बनाया? क्या चल रहा है मैम? क्या चल रहा है? इसको कैसे मिला बोर्ड की जगह और उसको कैसे मिला है? दो बार हम केस जीते हुए माता बैठी है शादी होकर इस घर में स्टे मिला ना नहीं स्टे मिला फिर क्यों कानून के साथ क्यों चल रही है शादी कानून जो मैं मिला कर रही है दीदी ने चेक किया बेस पर हमने परफेक्ट लग रही लाइन ऊपर के लिए और उसमें इन्होंने नैतिकता करवाया पीछे इनकी कार्रवाई हुई थी तो पुलिस से पकड़ा। हाँ उन्होंने जो भी इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके नगर पालिका से जो जिम्मेदार व्यक्ति थे प्रतिनिधि कराकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आज किस तरह का कोई विरोध? अभी देखिए अगर कोई कानून की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शांतिपूर्ण लगता है तो हमें मतलब कानून का बताया। आज किसी को हिरासत में लिया कितने लोगों को? अभी तक तो देखिए कोई ऐसे मामला सामने नहीं आया। आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।